चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर वैल्यू ऑफ आर कैपिटल आर द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल बी, यानी ए और बी पॉइंट के बीच में जो नेट रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू 18 कह रहा है। रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू 18 ओम है, ठीक है। इस वैल्यू के लिए आर की वैल्यू, जो ये आर है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें तो आप बिना पेन यूज किए हुए, कॉपी का यूज किए हुए कर सकते हो। जैसे ये 10 और 10 ओम का रेजिस्टेंस कितना होगा, 5 ओम, 5 और 10 15 हो जाएगा क्योंकि सीरीज में है, तो ये और ये मिलके कितना हो जाएगा 15 और ये 10 पैरेलल में है, ये 15 होगा। जैसे मैं इस फिगर को थोड़ा सा और शॉर्ट में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, 10 ओम और यहाँ पर ये 15 हो गया और ये 10, ये 10, ये 15, ये R और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और है 10 ओम का, A ये हो गया, B ये हो गया। तो ऑलरेडी हमने इन तीनों को 15 कर दिया है। 15 और 10 पैरेलल में कितना होता है, 15 पैरेलल में 15 इंटू 10 अपॉन 25, ये 3, ये 5, 2, ये हो गया 6 ओम, ये दोनों मिलके हो गया 6 ओम। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ और यहां लिख देता हूं 6 ओम लिख दिया। चलो इसको लिख दिया हमने 6, अच्छा ये 6 और ये 10 16 हो जाएगा, इसको भी इरेज कर देते हैं, 16 कर देते हैं इसको, 16 और ये दोनों पैरेलल में हैं, इन दोनों पैरेलल का रेजिस्टेंस अगर मैं कहूं तो 16 इंटू आर अपॉन 16 प्लस आर, इसको आर डैश कह देते हैं, ठीक है। तो आर डैश अगर मैं इसको इरेज कर दूं और इसकी जगह मैं लिख दूं, देखो यहां मैं लिख दूं आर डैश और इस आर डैश की वैल्यू कितनी है, आर डैश की वैल्यू है 16 आर अपॉन 16 प्लस आर, और इन दोनों के बीच का, ए और बी के बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है, वो आ रहा है 18, तो और ये दोनों सीरीज में है, तो इसका मतलब है RE इज इक्वल टू क्या होगा, 10 प्लस R डैश, 10 प्लस R डैश की वैल्यू 16 R अपॉन 16 प्लस R, और इस RE की वैल्यू यानी RAB की वैल्यू है कितनी, RAB की वैल्यू 18 है। अब इसको सॉल्व करना है, बस आपको इसको सॉल्व कर लेना है, तो सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ साइड में कर देते हैं। चलो 18 इज इक्वल टू एलसीएम, 16 प्लस आर एलसीएम ले लें, 16 प्लस आर तो ये है 10, तो 10 इंटू 16 प्लस आर प्लस 16 आर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18 ब्रैकेट में 16 प्लस आर इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई होगा 160 प्लस 10 आर प्लस 16 आर, 18 इंटू 16 कितना होगा, 18 इंटू 16 कितना आता है, 18 कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, 18 इंटू 16, 18 इंटू 16 288 प्लस 18 आर इज इक्वल टू ये दोनों में क्या होगा, 26, 26 आर प्लस 160, 18 आर को इधर ले आओ, 160 को उधर भेज दो, 288 माइनस 160 इज इक्वल टू 26 आर माइनस 18 आर, इसको एक काम करते हैं, ऐसे करते हैं, ये कितना हो जाएगा 128 आ जाएगा, 128 इज इक्वल टू 8 आर होगा, आर इज इक्वल टू 128 बाई 8 कितना हो जाएगा 1 और 4 16 ओम, आर इज इक्वल टू 16 ओम, कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला सी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।